हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिश टीवी ऐप नॉट वर्किंग, तो यहाँ पे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यही इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। सबसे पहले सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको अपनी स्क्रीन पर देखने मिलेगा। इधर पर एक ऑप्शन दिखेगा ऐप का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको डिश टीवी ऐप ओपन करना है। और यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप करके भी सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। इधर एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज यूसेज का, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर डेटा का, तो आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करके अपने ऐप का डेटा क्लियर करना है। लेकिन जैसे ही आप क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा दिस ऐप डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, दिस इंक्लूड फाइल सेटिंग डेटाबेस एंड अदर ऐप डेटा। और यहाँ पे नीचे की तरफ ओके और कैंसिल का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो ऐप है उसका डेटा क्लियर हो जाएगा और आपका ऐप बिल्कुल न्यू और फ्रेश हो जाएगा। तो ये है पहली सेटिंग। इसके बाद आपको नेटवर्क की सेटिंग करना है, तो यहाँ पे बैक जाना है मेन मेनू में। मेन मेनू में एक ऑप्शन आपको दिखेगा मोबाइल नेटवर्क का, तो उस पर क्लिक करके उसे ओपन करेंगे। उसके बाद आपको सिम कार्ड का स्लॉट सिलेक्ट करना है, जो स्लॉट में आपका सिम कार्ड है उसे ओपन करेंगे। सिम वन है तो सिम वन और सिम टू है तो सिम टू ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इधर एक ऑप्शन दिखेगा प्रीफर नेटवर्क टाइप, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा 2G 3G और 4G का, तो आपको 4G का नेटवर्क सिलेक्ट करना है जो कि सबसे हाईएस्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 2G या 3G सिलेक्ट करते हैं, या फिर उनके मोबाइल में ऑटोमेटिकली 2G या 3G सिलेक्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, 4G सिलेक्ट करके रखना है। और इसके बाद आपको अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है। ये तीन सेटिंग को फॉलो करने के बाद आप जब यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डिश टीवी ऐप यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओपन होगा, वर्क भी करेगा। एक बार फिर से मैं आपको सारी सेटिंग रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने ऐप का डेटा क्लियर करना है। सेकंड नंबर पे आपको मोबाइल नेटवर्क में जाके नेटवर्क की सेटिंग करके 4G पे सिलेक्ट करना है। और सबसे लास्ट में रीस्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि ये सारी सेटिंग को फॉलो करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।